हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक कुर्ती बनाने वाली हूँ और ये कुर्ती मैं बिल्कुल मार्केट जैसी कुर्ती बनाऊँगी जैसा कि हम मार्केट में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ये 1.5 मीटर रेयन का कपड़ा है, इसका विड्थ है वो भी 1.5 मीटर का है। तो हम देख लेते हैं पहले इसका मेज़रमेंट। ये मैंने ड्राफ्ट तैयार किया है, 14 शोल्डर हैं, 14 का मैंने हाफ़ करके लिया है, आर्म होल भी मैंने साथ लिया है। और मैं इसे 34 बस्ट के लिए बना रही हूँ तो उसका मैंने चौथाई हिस्सा निकाल लिया है, उसमें 1 इंच मैंने लूजिंग दी है, 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। बस्ट पॉइंट पर भी मैं उतना ही रखूँगी। और ये वेस्ट राउंड है, ये वेस्ट राउंड का मैंने चौथा हिस्सा निकाल लिया है, उसमें भी मैंने 1 इंच की लूजिंग दी है और 2 इंच कपड़ा रखा है मैंने सिलाई के लिए। इसी तरह मैंने हिप राउंड रखा है। अब मैं इसे काट लेती हूँ। अब मैं इसे एज ए टिस मेन फैब्रिक पर काट लूँगी। मैंने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है और मेरी साइड है ये बंद है, दूसरी साइड ओपन है। मैं पहले कपड़े को सीधा कर लूँगी, उसके बाद मैं मार्किंग करूँगी। इस तरह से मैं पूरे कपड़े पर मार्किंग कर लूँगी। और ये मैंने बैक पार्ट काटा है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें आर्म होल की शेप देनी होती है और नेक लाइन का ध्यान रखना होता है। अब मैं इसे काट लूँगी। पहले मैं कुर्ती की लंबाई देखूँगी और मैं लंबाई 45 इंच रख रही हूँ मैं कुर्ते की लंबाई। तो मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। और ये ड्राफ्ट मैंने इसीलिए बनाया था कि जब भी मैं कोई कुर्ती बनाऊंगी मेरी बेटी के लिए तो मैं इसी मेज़रमेंट से बना लूँगी, तो मुझे बार बार मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक के लिए मैंने 2.75 इंच पर मार्क किया है, ये बनने के बाद 3 इंच हो जाएगा। और पीछे का जो नेक है मैं रखूँगी 4 इंच का। इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है नेक के लिए, लेकिन मैं अभी नेक काटूंगी नहीं, ये मैं सिर्फ मार्किंग कर रही हूँ। फ्रंट का जो नेक है वो रखूँगी मैं 5.5 इंच। इस तरह से मैं 5.5 इंच पर एक बॉक्स बना लूँगी, ये फ्रंट के लिए हो जाएगा। उसके बाद मैं फ्रंट के आर्म होल की शेप दूंगी, उसके लिए पहले मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। और मेरे पास ये फ्रेंच कट है तो मैं इसी से इस तरह से मैं शेप दूंगी। और इसमें से मैं एक पार्ट निकाल दूंगी जो बैक का है, फ्रंट के लिए मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं स्लीव देखूँगी। स्लीव के लिए कपड़ा क्योंकि कम था तो मैंने दोनों साइड से
चौड़ाई और लंबाई से जो भी कपड़ा बचा था उसमें से मैंने इस तरह से स्लीव के लिए कपड़ा लिया है। एक स्लीव मैंने लंबाई से निकाली है और एक स्लीव मैं चौड़ाई से निकालूंगी। इस तरह से एक स्लीव मैं पहले निकाल चुकी हूँ और ये दूसरी स्लीव मैं इसी तरह रख कर और काट लूँगी कपड़े को। और ये स्लीव कटिंग हो गई है। उसके बाद मैंने ये फ्यूज़न पेपर लिया है और मैं इस पर नेक बनाऊंगी। इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। बीच में से फोल्ड करूंगी और मैं इस पर नेक की मार्किंग करूंगी। यहाँ मैंने 3 इंच लिया है, 3 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से मैं 5.5 इंच इस तरह से लूंगी। 5.5 इंच का मैं बॉक्स बनाऊंगी। और अब मैं इसे राउंड शेप में इस तरह से मैं राउंड शेप दूंगी इसे। इसके बाद मैं पौना इंच पर इस तरह से मार्किंग करूंगी, पौना इंच पर। और यहाँ से मैं 1/2 इंच लूंगी, यहाँ मैं 1/2 इंच पर मार्किंग करूंगी। अब मैं इस तरह से सीधा कर देती हूँ। इस तरह से मैंने नेक के लिए मैंने ये तैयार कर लिया है। अब मैं इसे काट लूँगी। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट दे रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे कपड़े पर पेस्ट करूंगी। इस तरह से ये सीधा और उल्टी साइड की ओर मैं इसे प्रेस से चिपका लूंगी। ये देखिए, मैंने इसे आयरन से मैंने चिपका दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसे काट लूंगी। उसके बाद हमें इसे ऐसे सिलना है, कपड़े को अंदर पेपर के ऊपर इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए सिलना है। इस तरह से कट लगाऊंगी मैं और इसे सिलाई लगाकर इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है और अब हम इसे कुर्ते के फ्रंट पल्ले पर जो है इसे लगाएंगे। ये मैंने फ्रंट पल्ला लिया है कुर्ती का और ये मैंने उल्टा रखा हुआ है, इसके ऊपर से रखूंगी मैं ये। पहले मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ पर एक कट लगाऊंगी सेंटर में। उसके बाद मैंने ये नेक लिया है, इस पर भी मैं इस तरह से एक कट लगाऊंगी बीच में और इस तरह कट से कट को मिलाकर इस तरह से रखना है और मैं इसे सिल दूंगी। ये देखिए, ये उल्टा ऊपर रखना है और इस तरह से मैं इसे सिलूंगी राउंड में। हमें पेस्टिंग पेपर के
बिल्कुल साथ साथ सिलना है, उसके ऊपर नहीं सिलना। और ये देखिए मैंने सिल दिया है। अब मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लूँगी। यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है उससे हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैं इस तरह से कपड़ा काट लूँगी। उसके बाद मैंने जो बीच में सेंटर में जो कट दिया है वहाँ पर मैं एक कट लगाऊंगी और राउंड में भी मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद मैं इसे सीधी साइड की ओर इसे मैं पलट दूंगी। किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरह से मैंने कैंची से ही निकाल दिया है उसके कॉर्नर, और इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड की ओर मैंने इसे पलट दिया है। और इसे प्रेस करके इसे अच्छे से बिठा सकते हैं, प्रेस करके ये बैठ जाएगा। उसके बाद जो है इसे एक सिलाई लगानी है ऊपर से, तो मैं सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद मैं, मेरे पास ये गोटा लेस है, समोसा लेस बोलते हैं, समोसा लेस है, मैं इसे लगाऊंगी इस तरह से। इस नेक के अंदर हमें दबाते हुए मैं लगाऊंगी इस तरह से, बस समोसे जो हैं वो दिखने चाहिए, बाकी लेस अंदर सिलाई में इस तरह से छुपा देनी है। मैं इसे लगाऊंगी और मैं इसे लगा लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रंट का नेक मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं बैक का पल्ला लूंगी, इसमें मैं पहले नेक काटूंगी। इस तरह से मैंने रखा हुआ है बैक का पल्ला, उसके ऊपर मैं रखूंगी ये फ्रंट का पल्ला। इस तरह से मैं नेक की मार्किंग करूंगी। ये जितना भी नेक है उससे मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के मैं मार्किंग करूंगी, क्योंकि सिलाई में जाएगा। और मैं पीछे का बैक का जो नेक है मैं 4 इंच का रख रही हूँ। इस तरह से मैं 4 इंच पर मार्क करूंगी और एक बॉक्स तैयार करूंगी। इसे मैं राउंड शेप दूंगी और उसके बाद मैं इसे काट लूंगी। अब मैं इसे तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने और भी पट्टी निकाल ली हैं, ये 2 पट्टियाँ हैं मेरे पास। पहले मैं इन्हें जॉइंट कर लूंगी, उसके बाद मैं इसे डबल फोल्ड करके मैं नेक पर लगाऊंगी इसे। और मैं पलटूंगी बाद में, पहले मैंने इसे इस तरह से लगा लिया है और मैंने शोल्डर भी मैंने जॉइंट कर लिए हैं दोनों इस तरह से। उसके बाद करना क्या है कि इसे हम इस तरह से मैं खोलूंगी और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे मैं पहले काट दूंगी। उसके बाद हमें जो नेक बनाया है, जो पेस्टिंग पेपर का नेक है, उसे पीछे की ओर इस तरह करते हुए मैं पलट कर इस तरह से मैं सिल दूंगी। शोल्डर और नेक दोनों पर मैं एक साथ सिलाई लगा दूंगी ऊपर से इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी।
ये देखिए मैंने नेक तैयार कर लिया है, और देखिए मैंने शोल्डर और नेक दोनों पर एक साथ ऐसी सिलाई लगाई है, तो ये बिल्कुल भी एक फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। उसके बाद स्लीव हैं, ये देखिए स्लीव में मैंने ऐसे चार चार पीस लिए हैं, बीच में से काट लिया है मैंने, एक स्लीव इस तरह से मैंने रखी है, और मैं इस तरह से मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और मैं इस तरह से इसे लगाऊंगी, इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मैं दोनों पीस तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैंने पीस तैयार कर लिए हैं पट्टी लगा के, और अब और इसका जो बॉटम है स्लीव का जो बॉटम है उसे भी मैंने सिल लिया है। इस तरह से मैंने मार्क किया है 3.5 इंच पर। ये 15 इंच की स्लीव है, और 3.5 इंच मैंने ऐसे लिया है, और अब मैं 4-4 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग की है। मेरे पास ये बटन है वाइट कलर के, तो मैं ये बटन इस तरह से अटैच करूँगी। पहले मैं टांका लगाऊंगी स्लीव में, टांका लगाने के बाद मैं उसके ऊपर से बटन लगा दूंगी, इस तरह से लूंगी और मैं इस पे बटन लगा दूंगी। ये इसी तरह से बाकी तीनों बटन भी मैं इसी तरह लगाऊंगी, 3-3 बटन दोनों स्लीव में लगाऊंगी और दोनों स्लीव में तैयार कर लूंगी। इस तरह मैं तैयार कर लूंगी दोनों स्लीव। उसके बाद ऐसे रखना है स्लीव को मोड़कर फोल्ड करके, और इस पर मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो स्लीव को रेडी कर लूंगी मैं दोनों स्लीव रेडी करने के बाद कुर्ते पर भी मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो स्लीव है स्लीव में इसमें अटैच करूंगी। मैं तैयार कर लेती हूँ कुर्ते को, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है कुर्ता, और इसकी स्लीव में मैंने गोटा लगाया है, सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने लेस लगाई है नेक पर। मैंने यहाँ पे सबौल सा लेस नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने इस पर पहले से ही डिजाइनिंग कर रखी थी, इसलिए मैंने सोचा हल्का फुल्का मैं स्लीव में टच दे दी हूँ। इस तरह से ये एक डिज़ाइनर कुर्ता बन के रेडी हुआ है। इसका बैक है, ये बैक बिल्कुल प्लेन है। ऐसे कुर्ते मार्केट में आजकल बहुत चल रहे हैं, मैंने तो ऑनलाइन भी बहुत देखे हैं ऐसे कुर्ते। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।